दोस्तों स्पीड पोस्ट के जरिए ओरिजिनल पीवीसी प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड अपने एड्रेस पर कैसे मंगाना है, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आपको बता दूं दोस्तों, वोटर कार्ड को लेकर काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। अगर आप पहले से ही वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर कर रखा हो तो अब वो नहीं आएगा, आपको नई तरीके से ऑर्डर करना पड़ेगा। जो ऑर्डर करने का प्रक्रिया था, प्रोसेस था, उसे भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको नया तरीका बताने वाला हूं, जिसके जरिए दोस्तों ऑर्डर करोगे तो स्पीड पोस्ट के जरिए आपका जो ओरिजिनल प्लास्टिक पीवीसी वोटर आईडी कार्ड है वो आपको आपके एड्रेस पे जल्द से जल्द आ जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च बार में आपको यहां पे टाइप करना है NVSP। आपको यहां पे लिखना NVSP, लिख के सर्च करना है। जैसे आप यहां पे NVSP लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बस क्या करना है, इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइज आपको यहां पे नीचे साइड यहां पे देखने को मिलेगा लॉग इन रजिस्टर। बस क्या करेंगे, इस लॉग इन रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज न्यू। बस क्या करेंगे, यहां पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज न्यू पे आपको इस जगह क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर। इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहां पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कैप्चा। इस कैप्चा को क्या करना है, इस बॉक्स में सही सही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कैप्चा को भी फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना कैप्चा सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी। बस क्या करेंगे, सेंड ओटीपी में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर यहाँ पे फिलअप किया है उस नंबर पर एक ओटीपी आता है। बस क्या करेंगे, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे क्या करेंगे, ओटीपी को फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी सही सही फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा वेरीफाई ओटीपी। बस क्या करेंगे, वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऊपर साइड आई हैव इपिक नंबर, यानी इपिक नंबर आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है वो उसको बोलते हैं इपिक नंबर। बस क्या करेंगे, आपको आई हैव इपिक नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव इपिक नंबर पे आपको इस जगह क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इपिक नंबर, इस बॉक्स में क्या करेंगे, आपको जो वोटर कार्ड नंबर होगा, वोटर कार्ड जो नंबर होता है उस नंबर को यहां पे इस बॉक्स में सही सही फिलअप करना है। यहां पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा ईमेल, इंटर ईमेल आईडी, यहां पे क्या करेंगे, इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड, इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपना यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे पासवर्ड गाइड आपको क्या करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी 6 डिजिट, यानी 6 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। लेटेस्ट 1 डिजिट, यानी आपको एक कैपिटल भी होना चाहिए, एक स्मॉल भी होना चाहिए। उसके बाद कुछ नंबर्स भी ऐड करना है और पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह के आपको यहाँ पे इस तरह से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और कुछ नंबर्स भी ऐड करना है और यहां पे स्पेशल कैरेक्टर भी देना है। आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। यहां पे चलिए यहां पे अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने को मिलेगा कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड आप यहां पे नीचे बॉक्स में आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे सारा डिटेल्स यहां पे फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना सारा कुछ सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा रजिस्टर। बस क्या करेंगे, इस रजिस्टर में क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट 100% यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी सक्सेसफुल यहाँ पे क्रिएट हो। अकाउंट क्रिएट होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर मोबाइल नंबर, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपके पे नीचे देखने मिलेगा, यहां पे इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड और यहां पे कैप्चा को फिलअप कर लेता हूं। यहां पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहां पे और कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा लॉग इन। बस क्या करेंगे, इस लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहां पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपको 4th नंबर में आपको क्या करना, क्लिक करना। यहां पे आपको देखने मिलेगा डुप्लीकेट इपिक एंड मैकिंग, यानी आपको यहां पे जो हुआ है गाइस, यहां पे आपका जो प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड मंगाने के लिए आपको 4th नंबर में यहां पे देखने मिलेगा, इस जगह
क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे अगर आप अपना खुद के लिए वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहां पे सेल्फ पे क्लिक रहने देना, अगर आप अपना फैमिली के मंगाना चाहते हैं तो फैमिली पे क्लिक करेंगे, अगर आप अपने लिए मंगा रहे हैं तो सेल्फ में क्लिक रहने देना। उसके बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से देखने मिलेगा फॉर्म ऐड खुल के आ जाएगा, आपके सामने फॉर्म ऐड देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको थर्ड नंबर में देखने को मिलेगा इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, यानी आपको क्या करना, इसका यहां पे इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन पे आपको क्लिक कर देंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहां पे आपका सारा कुछ फिलअप रहता है। जैसे यहां पे आपका स्टेट यहां पे फिलअप है और यहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी फिलअप रहता है, यहां पे क्लिक नहीं कर सकते। उसके बाद जो असेंबली होगा आपका पार्लियामेंट ही, तो पार्लियामेंट यहां आपका यहां पे ऑटोमेटिक फिलअप रहता है। उसके बाद आपका नेम वगैरह सारा कुछ यहां जाएगा, जो भी आपका नेम होगा, आपका इपिक नंबर, यहां पे सारा कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद यहां पे जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा आधार नंबर, यानी आपको क्या करना है, इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करना है। जो भी आधार नंबर होगा अपना, वही आधार नंबर यहां पे फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना आधार नंबर को फिलअप कर लेता हूं। यहां पे अपना आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा मोबाइल नंबर, इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहां पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा ईमेल आईडी, इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी यहां पे फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे मोबाइल नंबर और यहां पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेता हूं। यहां पे अपना मोबाइल नंबर और यहां पे अपना ईमेल आईडी सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहां पे करना क्या, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे यहां पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको तीन ऑप्शंस देखने मिलेगा। यहां पे आपको लॉस्ट देखने मिलेगा, यहां पे डिस्ट्रॉयड देखने मिलेगा और यहां पे मल्टीलेटेड देखने मिलेगा। तो गाइस आपको करना क्या, आपको सेकंड नंबर में आपको यहां पे क्लिक करना है डिस्ट्रॉयड, यहां पे क्या करेंगे, इसका क्लिक कर देंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना। जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे क्या करना, आपको यहां पे प्लेस नेम यहां पे टाइप करना, जो भी आपका जहां भी घर होगा यहां पे क्या करेंगे, अपना विलेज का नाम यहां पे टाइप करेंगे। जहां भी आपका घर होगा यहां पे क्या करेंगे, अपना घर का नाम यहां पे लिख देना, यानी आपको यहां पे टाइप कर देना। उसके बाद यहां पे टाइप करने के बाद यहां पे आपका डेट ऑटोमेटिक यहां पे फिलअप रहता है। उसके बाद यहां पे आपको यहां पे देखने मिलेगा कैप्चा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में सही सही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे अपना कैप्चा को यहां पे सही सही फिलअप करता हूं। गाइस यहां पे आपको सही सही सारा कुछ यहां पे फिलअप करना है, अगर आप यहां पे कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड यहां पे आपके घर तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। यहां पे अपना क्लिक करने के बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा प्रीव्यू, बस क्या करेंगे यहां पे प्रीव्यू में क्लिक कर देंगे। जैसे हमें प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म देखने मिलेगा, आपका जो भी फॉर्म होगा सारा कुछ यहाँ पे आपका आपका सारा कुछ यहाँ पे आपका डिटेल्स देखने मिलेगा, आपका इपिक नंबर, नेम वगैरह, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे सारा कुछ सही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सारा कुछ चेक कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके सीधे नीचे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सबमिट, बस क्या करेंगे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NBSP फॉर्म रेफरेंस आईडी इज इतना था, यानी आपको यहाँ पे रेफरेंस आईडी देखने मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना, या तो आप क्या करेंगे इस रेफरेंस आईडी को आप स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है, क्योंकि आपको ये आपको आगे काम आएगा कि जब भी आप ट्रैक करेंगे कि मेरा वोटर आईडी कार्ड कहाँ तक पहुँचा है, अभी प्रिंटिंग हुआ है कि नहीं, वह सारा कुछ आप क्या करेंगे इस रेफरेंस नंबर से ही पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो गाइस पहले क्या होता था, एक महीना दो महीना लग जाता था आपका बाई पोस्ट आपके घर तक नहीं पहुँचता है, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे चेंज हो चुका है, सारा कुछ यहाँ पे बदलाव हो चुका है। यहाँ से आपको जो है जब भी यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने मतलब लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका घर तक पहुँच जाएगा। किसी किसी का तो है देखा गया कि 7 डेज के अंदर ही घर तक पहुँच गया है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रिंटिंग में जब जैसे प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद स्पीड पोस्ट में समय नहीं लगता गाइस, 3 दिन के अंदर आपका घर तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे होता है कि टाइम जो लगता है वहाँ पे प्रिंटिंग होने में लगता है, जैसे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होने के बाद आपका घर तक तुरंत पहुंच जाएगा, 7 डेज के अंदर ही पहुंच सकता है, 10 दिन के अंदर ही पहुंच सकता है। तो यहाँ पे समय जो लगता है वो प्रिंटिंग में लगता है। तो यहाँ पे अपना ट्रैक स्टेटस को ट्रैक करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्रैक स्टेटस, बस क्या करेंगे इस ट्रैक स्टेटस में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे ट्रैक स्टेटस में क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिला होगा उस रेफरेंस नंबर को इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्रैक स्टेटस, बस क्या करेंगे इस ट्रैक स्टेटस में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे ट्रैक स्टेटस में क्लिक करेंगे आपके इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपको देखने मिलेगा सबमिटेड, आप जब भी सबमिटेड किए होंगे यहां पे देखने मिलेगा, और यहां पे आपको देखने मिलेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो गाइस जैसे यहां पे एक्सेप्ट होगा, यहां एक्सेप्ट होने के बाद आपका प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपके घर तक पहुंच जाएगा। यहां पे सबमिटेड होगा, यहां पे एक्सेप्ट होगा और रिजेक्ट होगा, यहां पे आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहां पे देखने मिलेगा। जैसे यहां पे ग्रीन बत्ती यहां पे जल जाएगा, जलने के बाद आपका तुरंत प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग होकर आपके घर तक लगभग 5 डेज या 7 डेज के अंदर अंदर आपका घर तक पहुंच जाएगा। यहां पे आपका सारा डिटेल्स देखने मिलेगा। आपको क्या करना, आपको यहां पे ट्रैक स्टेटस पे हर 5-6 दिन 7 दिन के अंदर आपको यहां पे चेक करते रहना कि मेरा यहां पे कहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा।
तो गाइज इस तरह से घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फोन से अपना पीवीसी यानी प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड को अपने घर तक मंगा सकते हैं घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।